परिणत हो सारी अवपात और आज संध्या यह बात्यार रूप नहीं पारे बोली पूर्व आकलन रही वर्तमान बात्या ओडिशा उपर विशेष प्रभाव छाड़ ना बोली कहा जाय छि किंतु अन्य पक्षरे ओडिशार स्थिति वर्तमान हंतसंत करुछि समस्त लोकंकु तातुछि ओडिशा एवं ओडिशार जेमिति भाबरे गरमर मात्रा देखिबा को मिलुछि ताकू नजर रखि कहा जाय छि एचआर विश्वास तरफ आंचलिक पाणिभाग विज्ञान निर्देशक तरफ प्रेसमिट में एने अधिक सूचना देते एचआर विश्वास तेज आंचलिक पाणिभाग विभाग पक्षर कौन रही से सूचना और कौन कही आंचलिक पाणिभाग विभाग निर्देशक आसन से नहीं सुनवा डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड 88.9 डिग्री ईस्ट हमारा पोर्ट ब्लेयर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 530 किलोमीटर दूर में इसका सेंट्रल लोकेशन है और इसका मूवमेंट अभी जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वार्ड रहेगा और इंटेंसिफिकेशन भी होगा ग्रेजुअली आज इवनिंग तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है। फर्दर इसका मूवमेंट हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वार्ड रहेगा और इंटेंसिफिकेशन भी होगा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कल 11th मे मॉर्निंग का आसपास फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा 11th मे मिडनाइट का आसपास फिर 12th मॉर्निंग से इसका रिकर्वेचर स्टार्ट होगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड और हमारा बांग्लादेश साउथ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार कोस्ट का तरफ मूव करेगा क्रॉस करने का चांसेस है हमारा साउथ ईस्ट बांग्लादेश का कॉक्स बाजार म्यांमार का कैप का इसका इन बिटवीन का क्रॉस करने का चांसेस है। क्रॉस करने का टाइमिंग अराउंड है हमारा 14th में तो इसके लिए हमारा कोस्ट के लिए कोई वार्निंग नहीं है उड़ीसा के लिए कोई वार्निंग नहीं है इसका एसोसिएटेड बट हमारा डीप सी एरिया मीन्स बे ऑफ बंगाल का जो डिफरेंट डीप सी एरिया है उसमें फिशरमैन को जाने के लिए मना किया है। ऐसा आज से ही हमारा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए मना है और फिर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में भी जाने के लिए मना है 12th से 14th तक मीन्स मिल हमारा डीप सी एरिया के लिए फिशरमैन के लिए वार्निंग है अप टू 14 तक डीप सी एरिया में जाने के लिए मना किया है। साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अंदमान से सब एरिया में आज से ही है मना कल से ही मना किया है। अभी नहीं उड़ीसा के लिए हमने बोला ना उड़ीसा के लिए अभी तक हमारा कुछ भी वार्निंग नहीं है उड़ीसा के लिए उड़ीसा हमारा लैंड एरिया के लिए कुछ भी नहीं है कोस्टल एरिया के लिए भी कुछ भी वार्निंग नहीं है बट हमारा सी एरिया ओशनिक एरिया में फिशरमैन जाता है तो फिशरमैन के लिए वार्निंग है डीप सी एरिया जो गंभीर समुद्र में है उसमें जाने के लिए मना किया है जो आपका 14 तक मना है। ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट जैसा बे ऑफ बंगाल में को भी हम लोग डिफरेंट एरिया में डिवाइड करते हैं साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल सेंट्रल बे ऑफ बंगाल सेंट्रल का फिर ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऐसा अंदमान सी ये सब सेक्टर में भाग किया डिवाइड किया जाता है तो डिफरेंट सेक्टर में कब कब क्या है उसमें हमने ग्राफिक्स में डिटेल्स दिया है बुलेटिन में और प्रभाव में कुछ बारिश वगैरह या फिर आकाश कुछ होगा हमने पहले ही तो बोला है आपका उड़ीसा के लिए कोई भी ये नहीं है अभी हमारा जनरल जो फोरकास्ट है वो हम बताएंगे बताएंगे इसमें हमारा अभी जो हीट हॉट वेदर मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर कुछ कुछ एरिया में 40 एंड अबव हो रहा है ये कंटिन्यू करेगा मेनली इंटीरियर उड़ीसा में अगला 4-5 दिन तक ही कंटिन्यू करेगा कोस्टल उड़ीसा में भी एक दो जगह में होगा बट कोस्टल उड़ीसा में स्लाइट कम हो सकता है कल वापस से बट फिर बाद में इंक्रीज कर सकता है और थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटी का साथ जो रेनफॉल हो रहा है एक दो जगह करके ये होने का चांसेस भी है आज भी चांसेस है एक दो जगह करके मेनली कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट केउनझर मयूरभंज धनकनाल कंधमाल रायगढ़ मलकानगिरि कोरापुट नवरंगपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबिलिटी एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश का आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् जहां सूचना आपण माने सुनुथिले जे जेमिति भाबरे वर्तमान बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे परिलक्षित हेबो नाही किंतु ओडिशा रे गरमर मात्रा रहिबो एवं पूर्वर भी कहा जाइथिला जे ओडिशा रे ताती रहिबो आज संध्या सुधा बात्यार रूप नहीं पारे जो आकलन रहुछि गभीर अपात आज संध्या सुधा बात्यार रूप नहीं पारे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे वर्तमान गति रहुछि गभीर अपात।